नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के वास्तु टिप्स सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी समस्याओं का एक छोटा सा हल, तो वास्तु के अनुसार देखें कि वो छोटा सा हल क्या है। और अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारा, जंगली जानवर के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र नहीं लगाने चाहिए। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक को बढ़ाती हैं, जिससे घर में शुभ नहीं होता है। शयन कक्ष में पूर्व या उत्तर दिशा में दो मोर पंख को एक साथ दीवार पर लगाने से दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि आप भूलवश चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर पीछे की तरफ फेंके, इससे वह दोष से मुक्ति मिलती है। हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अक्षत यानी चावल अर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से व्यक्ति को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चार मुख वाला दीपक बनाकर जलाएं, इससे यश, धन व समृद्धि प्राप्त होगी। रविवार की रात को सिरहाने दूध का गिलास रख के सोएं और सुबह उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी।